हाय एवरीवन, आज के व्लॉग में रहेगी एक जबरदस्त वेरी पावरफुल टिप ऑन रेन वाटर, है यूनिक एग करी और है दो तरह के बहुत अच्छे डाइजेस्टिव मुखवास होममेड और आई कुछ साग सब्जी। फिर रहेगी मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रूल और एंट्रेंस को रिलेटेड भी एक बहुत जबरदस्त टिप कि क्या करिएगा कि पॉजिटिव एनर्जी धड़ाधड़ घुसेगी, और ये रेन वाटर टिप जरूर करिएगा। सो वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। पोएम बाय स्पाइक मिलिगन। स्माइलिंग इज इन्फेक्शियस, यू कैच इट लाइक अ फ्लू। व्हेन समवन स्माइल्ड एट मी टुडे आई स्टार्टेड स्माइलिंग टू। So if you see a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected. So smile! So ये poem मैंने उस दिन Insta में पढ़ा and मुझे बहुत अच्छी लगी। Poem तो लंबी थी but मैंने आपको just थोड़ा सा just सुना दिया। तो इस तरह से हमेशा स्माइल करिए। और यार मजुमदार मुझे पूछते हैं कि मास्क के पीछे स्माइल भी करेगी तो कैसे पता लगेगा? तो मेरा न्यू मास्क पहले ये देख लीजिए। ये पता है अल्बर्टा का एक एनजीओ है, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। एंड यू नो कोई वेलफेयर के लिए वो लोग फिर ये पैसा वगैरह दे रहे हैं। हाउ इज इट, लेट मी नो। सो मास्क के पीछे भी अगर आप स्माइल करते हैं तो योर आईज विल स्माइल, राइट? सो इस प्यारी सी बात के साथ, इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज आपको मैं बताऊंगी रेन वाटर का एक जबरदस्त वेरी पावरफुल टिप। और पता है मेरा जो शाइन का वो जो आने वाला था ना का पार्सल, वो भी आ गया। और बड़े खुश होकर मैंने आज डिफरेंट टाइप की एक एग करी बनाई फॉर आफ्टरनून लंच। तो इस तरह से अंडों को और आलू को मैंने कुकर में दिया एक सीटी, और ये मसाला जो बेसिक रहता है लहसुन प्याज और अदरक का, इसको टमाटर के साथ मैंने भून लिया। और यहाँ पे ना आलू को डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा मैश कर लेना है, और यही थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता है। ये आलू के साथ जो है आपने मसाले को फ्राई करके फिर थोड़ा सा गरम पानी आपने डालना है इस एग करी में। और ये ऐसे करके आप बना के मुझे बताइएगा। और पता है अंडे ऐसे क्यों लग रहे हैं? इनको पील किया है ट्विंस ने, तो आधे अंडे गायब भी हो गए थे उनके छोटे छोटे हाथ के नाखून से। तो इसी तरह लेकिन मैं इनको ना ये सब चीज़ में इन्वॉल्व कराती हूँ। तो ये बन गई एग करी। और इस तरह से आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट प्लेटिंग की लोगों के लिए, बिकॉज संडे है। तो मैंने स्क्वायर बोल में इसे राइस को मोल्ड करके इसको सर्व किया। और देखिए जो सर्विंग है ना वो आपके एंटायर डिश, एक बहुत ऑर्डिनरी एग करी को इसने कितना अच्छा लुक दिया। सो लंच वगैरह करने के बाद ये लोग सो गए और मैं अपने मेडिटेशन, जो मेरा प्लेस है जहाँ मैं बैठ के रेकी हीलिंग मेडिटेशंस करती हूँ, वहाँ आ गई थोड़ा सा इसको साफ सफाई करने के लिए। और हाँ, मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि माला मेडिटेशन के बारे में बताओ तो क्या रूल है क्या नहीं। तो मैं एक बात बताऊँ, सबसे अहम रूल फॉर मेडिटेशन ये है कि मेडिटेशन के लिए कोई रूल नहीं होता है। बस हाँ, आप अपने के आपके घर के कोने को ऐसा करके बनाइए कि जहाँ आप बैठ के जो है सुकून से 2 मिनट बैठ सके, वही आपका मेडिटेशन है। पता है ऐसे करके आप लोग बैठना शुरू करिए, फिर देखिएगा आपको खुद ही ब खुद इतना पीसफुल लगेगा ना। तो यही मेरा वो कॉर्नर है और इस तरह से मैंने इसको साफ बिल्कुल कर दिया है। एक केन का चेयर मैं यहाँ रख देती हूँ। और पता है यही वो जगह है ना जहाँ मैं बैठकर आप लोगों के कमेंट्स वगैरह के उत्तर भी देती हूँ। द मोस्ट पॉजिटिव यू नो स्पेस ऑफ माई होल हाउस। वैसे तो मैं अपने घर को आप देखते हैं किस तरह से रखती हूँ, तो ये जो है ना मेरा एरिया, मेरा बहुत सुकून वाला और मेरे बहुत दिल के करीब वाला जगह है। तो इसको भी कर दिया मैंने साफ आप लोगों से बात करके। तो अब मुझे याद आया मुखवास बनाना था अजवाइन का इन लोगों के लिए। तो अजवाइन को लिया मैंने, उसमें डाला लेमन जूस, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट और डाला सौंठ। सौंठ जरूर डालिएगा। और ये जो है ना मुखवास, ये डाइजेशन के लिए सुपर्ब है। स्पेशली अगर कुछ आप हैवी खा ले और कैसा एक हैवीनेस लगे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इनो और समथिंग लाइक दैट, आप ये मुखवास बना के रख सकते हैं। बस इसको 2-3 दिन आपने ऐसे धूप में देना है और आपका बन जाएगा बहुत ही डाइजेस्टिव, बहुत ही अच्छा मुखवास। और एक और जो मैं बोल रही थी ना अपने व्लॉग में पान पसंद वाला, तो मैंने कहा चलो लगे हाँ तो वो भी बना देती हूँ। शीशी जो है खाली हो रही थी, तो सौंफ लिया, उसमें डाले थोड़े फ्लैक्स सीड, डाला क्रश करके पान पसंद एंड आमंड्स। सो ये मेरा मुखवास रेडी हो गया। मुझे ना वो अजवाइन वाला इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो आप भी बना के मुझे बताइएगा, ठीक है? तो अब इसके बाद यार मजुमदार शाम में निकले थे वॉलमार्ट, मैं नहीं गई, मुझे घर में बहुत काम थे, तो वो ये सब लेकर आ गए। तो मैंने कहा चलो ये भी निकाल दूं और उसको सैनिटाइज करके फिर आराम से रख दूं। पापड़ भी लेकर आए हैं, आप लोगों को ना पापड़ की कुछ डिशेस मैं बताऊंगी। और ये फल वगैरह भी आ गया, मंगलवार के लिए केला भी आ गया, नाशपाती इज मस्ट। तो अब मैं आ गई शाम को बनाने इनके नेक्स्ट डे का टिफिन।
तो टिफिन में बनाई मैंने चटपटी, भिंडी बनाने के लिए रखी साथ में, मुझे दिखा काम की बेसन के जो है बर्तन भी नहीं रखे थे मैंने दोपहर में लंच के बाद, तो वो भी करने लगी। वो असल में मेडिटेशन वाला एरिया साफ करने लगे ना, तो फिर बर्तन वगैरह नहीं रखे, तो मैंने कहा चलो अभी शाम में यहाँ पे घुस गई हूँ तो एक एक करके सारे बर्तन पहले निकाले, उसके बाद भिंडी भी चेक कर रही थी। तो यही है मल्टीटास्किंग माला का, सब कुछ एक साथ मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोपहर में लंच के बर्तन और सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन भी थे वो सारे रख दिए, और ये जो ऊपर के रैक के जो बर्तन थे वॉश्ड वाले उसको भी जगह के जगह में रखा, और मुझे लगता है बाय द टाइम मेरी जो है भिंडी भी डन हो गई। तो अभी ये सारे डब्बे वगैरह, ये सेकंड ड्रॉअर में मेरे रोज के जो डब्बे रहते हैं वो रहते हैं। तो अब ये देखिए चटपटी भिंडी भी रेडी हो गई मेरी, और अब है टाइम कॉफ़ी का बिल्कुल, और कॉफ़ी देखते ही मेरी हंसी तो आ जाती है। तो इसके बाद ना देखा एंट्रेंस में भी बहुत गंदा हो रखा था, बहुत दिन से साफ सफाई नहीं हुई थी, मैंने 7-8 दिन हो गए होंगे। तो एंट्रेंस के दरवाजे को ना प्रवेश द्वार को हमेशा साफ रखिए, और साफ रखने के बाद ना थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिएगा, और एक हल्दी से एक स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा, हल्दी को पानी में घोलकर एक बड़ा सा स्वास्तिक बना के रखिएगा, देखिएगा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एंटर होगी। तो इस तरह से मेरा एंट्रेंस हो गया साफ। तो अब रात में डिनर की बारी, रात में होगा आज बच्चों का पिज्जा, तो मैं यही वाला थिन क्रस्ट मल्टीग्रेन पिज्जा का बेस यहाँ पे लेती हूँ। और पता है इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें ना टोमेटो जो अपना बेस रहता है इसका सीजनिंग का, वो सीजन हुआ वो पैकेट मिलता है, तो आई डोंट हैव टू कुक इट सेपरेटली। और इन लोगों को ना वो जो चीज वाला मिलता है वही मार्गरीटा जो हम लोग का इंडिया में मिलता था, इनको बहुत पसंद है तीनों को, तो मैंने आज वही बनाया रात में। मैंने कहा थक भी गई थी तो और क्या बनाऊं, और ये पिज्जा तो बहुत चाव से खाते हैं, तो मैं पता है जनरली होम बेक पिज्जा ही इन लोगों को देती हूँ मैं, बहुत कम आप मेरे ब्लॉग में भी देखते होगे कि बाहर से मैं कुछ लाकर इनको देती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ ना वही चीज घर में बनाऊं, हाइजीनिकली क्लीन होगी एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है। और हम लोगों के लिए मैंने और यार मजुमदार के लिए मैंने बनाया, मेरे पास थोड़ी सी कैबेज की सब्जी बच गई थी तो कैबेज की सब्जी का टॉपिंग देके बनाया। ये पता है आप भी कोई आपकी ऐसी मसालेदार सब्जी बच जाए ना आप उसकी टॉपिंग देके बनाइएगा पिज्जा घर में, फिर मुझे बताइएगा। My first year break is gonna taste good, right? Thank you for watching. Trees. Let me help you. I'm on. Hold on, please. I'm having. No, me. Alright, see that it doesn't show. Are you eating it? Alright. How is it? ने खुश होकर पिज्जा खा ली, और ये हम लोगों का था, लोगों ने भी खा लिया। तो चलिए आज का मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के खाने का पार्ट समाप्त। तो हो गया सब काम, खाना बिना गैस वैस सब काम खत्म। और हाँ, मुझे इससे याद आया, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि माला यू शो अस योर किचन का नाइट टाइम का, आप कैसे करके मैनेज करते हो, उसकी टिप्स और ट्रिक्स देना। तो वो भी एक दिन करूंगी, आज सोच रही थी आज ही करूं, बट आज ना बहुत ज्यादा थकान लग रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से निपटा के फिर मैं अभी आप लोगों को जो आप बेसब्री से वेट कर रहे हो उस टिप का मैं बताती हूँ। बताने के पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक सो मेनी पीपल हु आर जस्ट यू नो लविंग मी अनकंडीशनली, सारे सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू सो मच। इसी तरह बने रहिए, और आप लोग जो जो छोटी छोटी चीज़ें देख के बनाते हो और बोलते हो माला योर रेसिपीज आर रियली सिंपल और जुगाड़ू रहती है, तो मैं सच पे ट्राई करती हूँ कि जो लोग नई भी कुकिंग कर रहे हैं ना वो लोग फटाफट देख के कर ले। जाने से पहले आपको वो टिप बता दूं, सिंस आजकल जो है बारिश का सीजन है, यहाँ पे भी हम लोगों को बारिश मिल रही है, सो कलेक्ट रेन वाटर। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी आप लोगों को बोला था नेक्स्ट ब्लॉग के अपडेट के लिए कि आप लोग रेन वाटर कलेक्ट करिए। और हाँ, इससे याद आया, आप लोग मेरे आने वाले ब्लॉग के अपडेट्स, जो लोग मुझे फेसबुक में फॉलो नहीं कर रहे हैं या इंस्टा में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, वो लोग मैं अपने चैनल में कम्युनिटी पोस्ट कर देती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग का अपडेट, और उसमें आप लोगों को कुछ अगर ऐसा कुछ जमा करना होता जैसे अभी मैंने बोला था रेन वाटर कलेक्ट करते रहिए, तो मुझे कई मैसेजेस आए कि माला हम लोगों ने किया है करके। तो यस,
देखिए ये मेरा भी है, दो दिन का रेन वाटर इतना कलेक्ट हुआ है और मैंने पहले भी करके रखा है, तो अभी क्या करेंगे आप इसमें रेन वाटर लिखेंगे, कोई भी पेन से, रेड से लिखिए, ग्रीन से लिखिए। लिखने के बाद जिन लोगों का अपना घर है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने घर का जो ईशान कोन है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, नीचे अगर बाहर गार्डन है या पीछे गार्डन है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो पोर्शन है वो प्लेस में मिट्टी को खोद के ये जो बॉटल आपने रखी है उसको नीचे दबा देंगे और फिर मिट्टी से ढक देंगे। रेन वाटर को ईशान कोन में आपने करना है। अब जो लोग फ्लैट्स अपार्टमेंट में हमारी तरह रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने जो घर का जो ईशान कोना है वहां पे एक छोटी सी बॉटल में करके इस तरह से रखेंगे दैट थिंग शुड नॉट बी सीन, लोगों के नजर में नहीं आना चाहिए। जैसे मेरे ईशान कोन में जो यहाँ पे मेरा कोलकाता वॉल है ना, वो स्टैंड के पीछे मैंने एक छोटे से बॉटल में रेन वाटर लिख के रखा हुआ है, ऐसी कोई भी छोटी बॉटल, बट यस दैट बॉटल शुड बी ऑफ ग्लास, कांच, एकदम प्लास्टिक या कोई मेटल की ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये टिप जो है समझ में आ गया है, अगर नहीं भी आया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा एक बात मुझे और बोलना है, जो इंस्टा का भी आईडी यहां दे दूंगी, आप मुझे इंस्टा में रिक्वेस्ट भेजो और उसमें क्या है ना मैं देखती रहती हूँ, देयर आई एम मच एक्टिव, क्योंकि इफ यू आर नॉट इन माई एफबी फ्रेंड लिस्ट एंड यू आर मैसेजिंग मी इन एफबी, सो मेरे को नोटिफिकेशंस कई बार नहीं आती है या मैं स्किप आउट कर जाती हूँ। तो मैंने ना लास्ट वीक मैंने 6 मुझे इंपॉर्टेंट क्वेरीज आई थी, मुझे इतना खराब लगा कि ना मेरे को डिले हो गया, क्योंकि लोग क्या है ना विश्वास से पूछते हैं रेकी प्रैक्टिशनर को, अच्छा इसका क्या करेंगे वैसे, और मैं उनको अगर तुरंत रिप्लाई ना कर पाई तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए आप लोग मुझे ये जो मैं इंस्टा का आईडी दिया हुआ है इसमें मुझे आप लोग रिक्वेस्ट भेजो और इसमें आप लोग मैसेज करो, या फिर आप लोग मुझे कम्युनिटी टैब में जो मेरा पोस्ट रहता है उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप ये रेन वाटर वाला आपको समझ में आ गया है, कुछ भी क्वेरी रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यस ग्लास बॉटल में रखना है, फिर से बता रही हूँ। जुलाई महीने का मेरे को बेसब्री से वेट रहता है, तो मेरा बर्थडे है इस महीने में, दो और खास चीजें मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट, एक तो सेलिब्रेट करूंगी और एक जो है मैं बता देती हूँ। 1 तारीख को मेरे ससुराल में हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन की पहली शादी है, जी हाँ मेरे भतीजे की शादी है, तो आप सब लोग उसको बहुत अपने दुआओं में शामिल रखिए कि उसकी जो है शादी सब फंक्शन जो है अच्छे से हो जाए। और यस हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं बिकॉज ही इज मच क्लोजर टू माय हस्बैंड, यार मजुमदार से बहुत क्लोज है, तो यार मजुमदार इज आल्सो मिसिंग द फंक्शन एंड ऑल, बट अब क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीजें ना बहुत अखड़ती हैं जब आप कोई फैमिली फंक्शन में ना जा पाओ, बट कोई बात नहीं, अभी जूम ये वो ऑनलाइन, अभी कोरोना ने ये सब की आदत डलवा दी है कि आप बाहर अटेंड ना कर पाओ तो आपने क्या करना है, तो हम लोग उसी में शरीक होके उसको बहुत दुआएं देंगे। तो उसकी 1 जुलाई की शादी है, 1 जुलाई मतलब अगला व्लॉग भी बहुत खास होने वाला है, थोड़ा सा सरप्राइज बना के रखती हूँ, क्योंकि उसने जो है मेरी लाइफ बिल्कुल पुरनी की तरह जो है घुमा दी है, तो वो अगला व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो जुड़े रहिए और मुझे बताइएगा तो कि क्यों स्पेशल होने वाला है। और हाँ करेक्ट, 2 लोगों ने सही जवाब दिया था वो क्विज का, वो पेड़ था काले चने का। रेन वाटर कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए एंड रेन वाटर से जुड़े टिप्स भी आती रहेंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, आने की बारी आ गई है, जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला। अब करूंगी व्लॉग की एडिटिंग और जो अगले व्लॉग की कुछ तैयारियां, आपके साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा उस दिन, तो तैयार है ना। और हाँ नेक्स्ट व्लॉग में मैं हल्दी का अचार जो था कच्ची हल्दी, मैं सोच रही हूँ लेकर आपको फिर दिखाई दूँ, तो मैं जाती हूँ मेट्रो, फिर देखती हूँ अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो मैं जरूर बताऊंगी, अगर नहीं भी मिलती है तो मैं अगले व्लॉग में ऐसे ही बता दूंगी। बनाइएगा, बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही टेस्टी रहती है।